स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम थोड़ा सा इंडक्शन में कुछ आपको अलग तरीके से वीडियो लेके आ चुके हैं। इंडक्शन से रिलेटेड आपका इंफ्रारेड और इंडक्शन बहुत सारे वीडियो डाल रखे, तो आई बटन में जाके सारे आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी यूजफुल वीडियो आपका वो सब भी है, ये खास करके आपका तो ये और भी यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पास एक तवा है, जो कि ये इसको डोसा तवा है, बट इस पर आपको आज हम रोटी बना करके दिखाएंगे। ये कोई भी इंडक्शन बेस्ड नहीं है, और ये भी आपका इंफ्रारेड है, जो कि अभी आपको पूरा हम एक रोटी को आपको बना करके इसमें दिखाएंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पीछे, बहुत सारे मैंने इंडक्शन का या फिर इंफ्रारेड का डाला था, तो बोल रहे थे कि भाई इस पर रोटी भी बन जाएगा, या फिर जो एल्युमिनियम का कुकर होता है वो भी हम इस पर रख के बना सकते हैं। आप वो सब बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो वही आज हम थोड़ा सा पूरा आपको मतलब बिना वीडियो को पॉज किए हुए रोटी को आपको बना करके दिखाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है आपको, तो यहाँ पर सेलो का मेरे पास कोई भी कंपनी का प्रमोशन यहाँ पर नहीं है। इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हम चलते हैं थोड़ा सा गर्म करते हैं। अभी तो खैर हल्का गर्म है, बट हल्का गर्म से नहीं होगा, पूरा अच्छी तरीके से आपको इसे गर्म करना होगा। इसको गर्म करने के लिए हम इसमें तार लगा देते हैं, तो इंडक्शन को हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि यहाँ पे वायर जो है अच्छे से लग सके। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बीप की साउंड भी आ चुकी है। यहाँ पे हम मैक्सिमम वाट यानी 2000 वाट पी से हम पकाएंगे। शुरू स्टार्टिंग में आपको 2000 देंगे, इसलिए ताकि आपका ये जो इंफ्रारेड का ये जो ग्लास है काफ़ी अच्छी तरीके से हीट हो सके। जब ये हीट होए तो आपका ये जो तावा है, तावा आपका ये कोई भी इंडक्शन बेस नहीं है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम तावा को हीट होने देंगे, फिर आपको एक हम रोटी बना लेते हैं। जैसा जो जैसा भी रोटी बने आपको बस पका करके दिखाना है, फूलता है या फिर नहीं फूलता है वो तो खैर वीडियो में जानेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा तावा को हम गर्म करते हैं। यहाँ पे एक आपको ग्रिल भी मिल जाता है, अगर सिलो का आप कोई भी पड़े, वैसे तो ये अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है आपका, ना अमेजन पे मिलेगा ना ही आपका ये फ्लिपकार्ट पे है, आउट ऑफ स्टॉक है। बट आप ये ग्रिल आप अगर परचेज कोई भी अलग भी अगर आप इंफ्रारेड लेते हैं, अगर आपको ग्रिल नहीं मिलता है अगर, तो और भी कोई कंपनी में ग्रिल नहीं देता आपको ये, बट आप मार्केट में जा करके अब जिसका इंडक्शन है वो साइज़ तो आपको नहीं मिलेगा, फिर भी आपको इस प्रकार का कुछ जाली मिल जाएगा ताकि आप इंडक्शन पर रख के रोटी को फुलाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर आप ये ग्रिल नहीं लेते हैं तो अगर आप तावा पे फुला रहे हैं तो यहाँ पे तावा पे भी आसानी से फुला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक हम रोटी बना के ला चुके हैं, तो चलिए इस पर हम रख देते हैं। हालांकि मुझे पकाने का कोई भी मतलब यहाँ पर शौक नहीं, बट आपको हम वीडियो में बस दिखा देते हैं कैसा आपका ये फूलता है, फिर रोटी अच्छी तरीके से या फिर नहीं फूलता है। वही हम अभी हम वीडियो को बिल्कुल भी पॉज नहीं करेंगे, अभी देखते हैं इसमें। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि रोटी पकने में हल्का सा आपका 30 से 40 सेकंड आपका समय लगेगा। एक तरह हो चुका है आपका, दूसरे तरीके से हम इसे पलट दिए हैं। आपको जैसे आप स्टोव हो या फिर गैस वगैरह पे आप रोटी को इधर उधर देखते रहते हैं, सेम उसी प्रकार आपको इस पर भी देखना है। सॉरी, लवा लवा मेरा रोटी हो चुका है। तो अब हम इस ये जो आप ग्रिल देख पा रहे हैं, जल्दी से ग्रिल को रखेंगे। ये देख सकते हैं रोटी मेरा अब जलने वाला है, तो थोड़ा सा इस हम ग्रिल को रख देते हैं इस पर। अब चलिए हम इसे फुलाते हैं, देखते हैं फूलता है या फिर नहीं। तो ये आप देख सकते हैं जो कि रोटी मेरा काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर फूल भी चुका है। अब जैसे तावे से अगर दबाते हैं तो आपका और अच्छे तरीके से पक जाने वाला है यहाँ पे। फिर ग्रिल को इधर करिए, रोटी को इस पर रख लीजिए, ग्रिल को हटा लीजिए। अब ये देख सकते हैं इंडक्शन को हम बंद कर देते हैं यहाँ से। ये जो रोटी आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल आपका वाइट तरीके से, कहीं से भी कुछ आपका जला भी नहीं है, ना ही कुछ कहीं से आपका ऐसा भी लग रहा है कि आज पका है। आप आसानी से इस रोटी को मतलब एक रोटी बस आपको हम आज बना करके दिखाए हैं, ऐसे ही आप ढेर सारे रोटी को बना करके आसानी से इस इंडक्शन का भी मज़े ले सकते हैं। तो ये रहा मेरा फ्रेंड आज का वीडियो, जो कि आपको रोटी बनाना भी काफ़ी इजी है। बस स्टोव का इसमें बस ध्यान देना है कि मतलब स्टार्टिंग में आपको 2000 वाट रखना है। जब ये काफ़ी अच्छी तरीके से हीट हो जाए तो फिर आपके ऊपर अगर रोटी आपका जलने लगता है तो फिर आप इस आपको वाट को कम कर दीजिए, 1200 पर 1000 पर करके आप आसानी से रोटी को पका सकते हैं। तो उम्मीद करते फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह करना है तो कमेंट सेक्शन में करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से जाकर मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।